ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कभी अचानक हमें इतना गुस्सा आ जाता है, कभी किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। भयंकर परी, तो तुम्हारा तो साहस कैसे हुआ यहाँ परीलोक में आने का? बाल परी, मुझे लगा था कि तुम मेरा स्वागत करोगी। स्वागत? और तुम्हारा? कभी नहीं, बल्कि तुम्हारे इस दुस्साहस की सजा मिलेगी तुम्हें। एक बुरी परी दूसरी परी को सजा देगी? तुम भूल गई हो बाल परी कि अब तुम बुरी परी हो। बुराई की रानी भयंकर परी, स्वागत है आपका परीलोक में। बताइए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तुमसे पूछने आई हूँ बाल पर, क्या तुम मेरी साथी बनोगी? हाँ भयंकर परी, अब तो हम बुराई की ही साथी हैं। मतलब तुम भी मेरे साथ बुराई की योद्धा बनोगी? हाँ भयंकर परी, जैसा आप चाहती हो बिल्कुल वैसा ही करेंगे हम। शाबाश बाल परी, शाबाश। परियों, वो देखिए भयंकर परी। भयंकर परी यहाँ बाल परी के साथ क्या कर रही है? और भयंकर परी बाल परी के ऊपर वार करने के बजाय उससे खुशी खुशी बातें कर रही है। हाँ परियों, हमें फौरन उनके पास चलना चाहिए। हाँ परी यहाँ क्या कर रही थी? भयंकर परी? नहीं नहीं, भयंकर परी यहाँ नहीं आई थी। झूठ बाल परी, आप झूठ बोल रही हैं। हमने खुद आपको भयंकर परी के साथ यहाँ पे देखा है। अब हाँ, यहाँ अभी अभी भयंकर परी आई थी। वो हमसे कह रही थी कि वो हमें और परीलोक को नुकसान पहुंचाएगी। अगर ऐसा था बाल परी तो आपको सुरक्षा भोपू बचाना चाहिए था, लेकिन आप तो भयंकर परी के साथ हंसकर बात कर रही थी। हम भयंकर परी के साथ हंसकर बात नहीं कर रहे थे। अगर आप सबको हम पर विश्वास करना है तो करिए, नहीं तो हमें आप सबकी कोई परवाह नहीं है। कोई भी अच्छी और सच्ची परी कभी झूठ नहीं बोल सकती, तो फिर बाल परी हमसे झूठ क्यों बोल रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाल परी बुरी परी बन रही है? नाराज परी, ऐसा आप कैसे कह सकती है? आर पार परी, डरी परी, वो देखिए, सच्ची और अच्छी परियों के कभी भी कदमों के निशान नहीं बनते। लेकिन बुरी परी के कदमों के निशान बनते हैं,
और वो भी काले। चलो तो फिर मैं चलता हूं। बापूजी संभालना, बापूजी। हाँ ऑल द बेस्ट बापूजी। कि बेटा बापूजी संभालना, अपने आप को संभालना बापूजी। बापूजी बापूजी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से भी, और जो भी मोटा भाई ने कहा वो मेरी तरफ से। हाँ बापूजी ऑल द बेस्ट, संभाल कर जाइएगा। वो क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं दांत निकलवाने जा रहा हूँ, जंग लड़ने नहीं जा रहा हूँ। बापूजी आपको जंग की दवा चाहिए होगी तो है मेरे पास। रॉकी नो सॉरी नो सॉरी, पूरी बात तो सुन लो। बापूजी बापूजी मेरे पास जंग की दवा है। जहाँ कहीं भी जंग होता है ना, मैं अपनी दवा डालता हूँ तो जंग चला जाता है। रॉकी सही कह रहा हूँ। पता है उस दिन मानव के साइकिल में जंग लगा था, मैंने अपनी दवा डाली, जंग चला गया। महेश ये अलग जंग की बात कर रहा है। ये पता है बापूजी, आ तो इसे समझाना। बेटा रॉकी हाँ। तू जो जंग की बात कर रहा है ना हाँ। वो लोहे पे लगने वाला जंग है, उसकी बात कर रहा है हाँ। और बापूजी जो जंग की बात कर रहे हैं वो लड़ाई युद्ध। पता चला? सॉरी बोल। सॉरी बापूजी। वैसे महेश बापूजी जितना डॉक्टर के पास जाने से डर रहे हैं ना, उतना शायद जंग में लड़ने से भी नहीं डरेंगे, है ना बापूजी? और हाँ बापूजी, मानव भी साथ आ रहा है, याद है ना? उसका भी दांत निकलवाना है। हाँ बेटा। यस। और इसके बाद मिलेगा उसे टूथ फेरी से गिफ्ट। या। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो अहमदाबाद वाले चंद्रेश भाई को फोन करना रह गया, वो खिलौने वाले। अभी तक खिलौने आए नहीं है, उनको पूछता हूँ क्या हुआ। हाँ चंद्रेश भाई, महेश बोल रहा हूँ मुंबई से। वो खिलौने का ऑर्डर दिया था ना, अभी तक पहुंचे नहीं है क्या? नहीं 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 भाई, परसों नहीं, मुझे तो आज रात को ही चाहिए, शायद आज रात को ही जरूरत पड़ जाए। अरे मैं नहीं खिलूंगा, मेरे बच्चे के लिए। हाँ मानो मेरा बच्चा। हाँ रॉन्ग नंबर। हाँ बेटा तू चल रहा है ना मेरे साथ? और अपने स्पेशल गिफ्ट के लिए भी। हाँ वो टूथ फेरी वाला। नहीं पापा, टूथ फेरी जैसा कुछ नहीं होता। मालूम है टूथ फेरी जैसा होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि टूथ फेरी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत में टूथ फेरी होती है बेटा। भाई पता नहीं किसकी विश कब कहां कैसे वो पूरी कर दे। मुझे पता है मेरे बचपन में जब मेरा दांत टूटा था। इनके दांत में दर्द हो रहा है। हाँ, हाँ। चलो बेटा चलो हम चलते हैं। हाँ, चल, संभाल कर चाहे कुछ भी हो रानी परी, मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी माँ बाल परी बुरी हो सकती। एक बात बताइए बालवी, कि जब बाल परी वहाँ से गई तो उनके कदमों के निशान कैसे पड़े, और वो भी काले काले निशान। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? पर नाराज परी, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? रानी परी, कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। रानी परी कहीं कुछ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई तो बात है जो माँ हमसे छुपा रही है, और मैं वो बात जानकर ही रहूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक बार माँ से मिलना ही होगा। ठीक है बालवी, आप जाइए और बाल परी से सच जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है रानी परी। बेटा अभी जाएंगे ना डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। मिशन मानव का दांत। मिस्टर दगली आपका नंबर आ गया। थैंक यू। चल बेटा चल।
मेरे ड्रेस को देख के हंस रहे हो ना? ये ना बैली डांस का ड्रेस है। अब हंसी हाँ? एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों? अरे अंदर नहीं जाऊंगा तो मानव का दांत कैसे लूंगा? आइडिया, सुलाने वाले सितारे आ जाए। नॉनसेंस। मानव का दांत निकलेगा और मैं उसे ले लूंगा। तेरा बच्चा है, संभाल ले। हाँ तुम्हारा बेटा, अरे तुम्हारा दांत निकाल दे। नहीं नहीं, वो सीनियर सिटीजन। ओके अच्छा अच्छा, चलो उठो फिर। आराम से। अरे तुम चिंता ना करो, बस बहुत आराम से निकल आएगा। यस यस यस, अब वो घड़ी आ गई है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। हाँ चलो, नहीं होना चाहिए। हाँ परेशान ना हो। हाँ बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ हाँ बस बस होने वाला। आइए। ये क्या हाल बना रखा है? मेरा ये हाल इस मानो की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? है, तुम जो भी हो, ये तुम दांत क्यों चुरा रहे? मैं यहाँ मानव का दांत लेने आया हूँ। लेकिन तुम्हें मानव का दांत क्यों चाहिए? मैं इसका दांत दंत परी को दूंगा। टूथ फेरी। वो मोंटू, तुझे मेरे दांत टूथ फेरी को क्यों देना है? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं एक सहायक दंत परी हूँ। अच्छा मजाक है बेटा, लेकिन टूथ फेरी कैसी कोई चीज नहीं होती है। किसने कहा नहीं होती है? होती है होती है होती है। पर यार कब से मैं सबको समझा रहा हूँ, कोई मानता ही नहीं है। होती है होती है होती है होती है होती है। हाँ गुड बॉय है। आपको नहीं दादाजी? अच्छा, सुलाने वाले सितारे आ जाए। अरे यार ये लोग भूलेंगे नहीं। हाँ भुलाने वाले सितारे आ जाए। वाह वाह आह आह। चलो बेटा मेरा दांत तो निकल गया, अब तेरी बारी। नहीं नहीं, मैं अपने दांत अपने आप गिनने का इंतजार करूंगा। नॉटी बॉय। माँ, माँ कहाँ हैं आप? माँ, बालवीर, बालवीर हमें पुकार रहा है। अरे, हमारे कदम रुक क्यों गए?
आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? तुम्हारे पैर रुके नहीं है बाल परी, तुम्हारे पैर मैंने रोके हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन शक्ति तारे की वजह से अब तुम मेरे नियंत्रण में हो और अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। बाल परी, अब तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूंगी, और मैं चाहती हूं कि तुम बालवीर पर वार करो। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। बालवीर हमारा पुत्र है, हम उस पर वार नहीं करेंगे। माँ, कहाँ है आप? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो बाल परी, अब तुम मेरे नियंत्रण में हो और तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूंगी। आगे बढ़ो, वार करो बालवीर पर। आगे बढ़ो बाल परी, वरना मैं इस जीवन शक्ति तारे से तुम पर वार करूंगी। कभी नहीं, हम बालवीर पर वार कभी नहीं करेंगे। तुम चाहे हमें कितनी भी चोट पहुंचा दो, हम पर कितने भी वार कर लो, लेकिन हम हमारे पुत्र पर चोट नहीं पहुंचा सकते, हम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। कभी नहीं भयंकर परी, कभी नहीं। लगता मुझे अब नहीं रहा बाल परी में आपके ताकत का डर। अरे है समझती आपको एकदम फालतू परी। चुप! मैं क्या हूं ये मैं अब बताऊंगी बाल परी को। लगता है तारे से असत्य जल का असर कम हो रहा है। बाल परी, मैं तुम में इतनी बुराई भर दूंगी कि तुम्हें बालवीर अपना पुत्र नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देगा। आवाज का जवाब क्यों नहीं दे रही है माँ? माँ, पता नहीं माँ मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही। बालवीर पे वार करो बाल परी, वार करो बालवीर पे। बालवीर बुराई का सबसे बड़ा दुश्मन है। वार करो, वार करो। ऐसा ही होगा भयंकर परी, आज ऐसा ही होगा। आ गई परी भयंकर। ये माँ के बाल मुझसे क्यों लिपट रहे हैं? शाबाश, कसो
अपनी चोटी बालवीर पर इस तरह कस दो कि उसकी सांसें उसका साथ छोड़ दे। ठीक है माँ, क्या क्या कर रही है? मैं आपका पुत्र हूँ बालवीर, आप छोड़िए मुझे। छोड़िए मुझे। तो क्या समझते थे तुम कि मैं मोंटी द ग्रेटेस्ट लखानी एक छोटा काम नहीं कर सकता? ये देखो, लेकर आया मैं मानव का दांत। ओह सरप्राइजिंग, इतनी जल्दी? हाँ, दांत तोड़ना और दांत लाना मोंटी द ग्रेटेस्ट लखानी के लिए बाएं हाथ का खेल है। दैट इज दाया। बाएं हाथ का खेल है। और हाँ, अब तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चलेगी, तुम्हें मुझे पुराने जैसा मोंटू बनाना ही होगा। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, पर क्या मानव को सचमुच टूथ फेरी पे विश्वास हो गया? एल चल। अरे बापरे, ये तो मैंने किया ही नहीं। क्यों नहीं होगा उसे विश्वास? क्यों नहीं होगा? अरे मैंने उसे इतनी प्यार से समझाया ना कि वो समझ गया। ओके ओके, माना कि वो मान गया, पर मानव का दांत तुम इतनी जल्दी कैसे लेकर आए? So fast, how come? You fat boy? इनको? हाँ, क्योंकि दांत लाने की भी एक प्रक्रिया होती है। पहले बच्चा सोने से पहले उसका दांत तकिए के नीचे रखता है, फिर हम दंत परी रात में उस दांत को लेकर आते हैं। और तुम मानव का दांत उसके सोने से पहले अभी दिन में लेकर आए? Oh God! How? अरे हाँ, वो क्या ना, एक्चुअली मानव आज बहुत थक गया था, इसलिए वो जल्दी सो गया। और जैसे ही वो सो गया तो मुझे मौका मिला और मैं दांत लेकर आया। और हाँ, तुम दोनों बहानेबाजी करना बंद करो और जल्दी से मुझे फ्री करो, मेरी पनिशमेंट खत्म करो। चलो ठीक है, हम तुम्हारी सजा को माफ करते हैं, पर उससे पहले हमें इस दांत की जांच करनी होगी कि ये दांत मानव का है या नहीं। हाँ हाँ, कर लो कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, चेक कर लो इसे। ये लो दंगू, जांच करो। ओके दंतपरी, दांत प्लीज। ए टिंकू, वो क्या है? सहायक दंतपरी मोंटू, सॉरी टू से माय नेम इज दंतकुक नॉट टिंकू। ओके रिक्वायर्ड। ओके, ये दांत पहचान यंत्र है, हम इस दांत को इस पे रखेंगे और ये दांत जिसका भी होगा उसकी तस्वीर और उसका नाम इस पे आ जाएगा और हमारी दांत लेने वाली सूची में से उसका नाम कट जाएगा। ओके। ये तो गलत सूचना भोपू है। मोंटू, तुमने हमें गलत सूचना दी कि ये मानव का दांत है। नहीं 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 नहीं, मैंने ये सही दांत लाया, ये दांत मानव का ही है। अरे दंत परी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये दांत मानव का ही लाया था। नहीं नहीं नहीं, ये दांत मानव के ग्रैंडफादर मतलब उनके दादाजी अमृतलाल डगली का है। से लेकिन एक झूठ तो हमने सुन लिया है तुमसे, लेकिन अगर तुम दोबारा हमारे पास और किसी का दांत लेकर आए और बिना मानव को विश्वास दिला के दांत लेकर आए तो तुम्हें 2 साल के लिए सहायक दंत परी बनकर रहना होगा। समझ गए? अंडरस्टैंड।
दंत परी चली गई। अरे ये मानव का दांत उसके दादाजी के दांत में कैसे बदल गया? माँ, माँ ये क्या कर रही है आप? माँ होश में आइए, छोड़िए मुझे। माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दम घुट गया। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दुश्मनों को कष्ट पहुंचे ताकि वो मेरे बुराई के सामने सर उठाने की हिम्मत ना करे। माँ आप क्या कह रही है? देखिए मुझे, मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका पुत्र हूँ। नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो। बिल्कुल सही कहा पालपरी, बुराई के दुश्मनों को हम कभी माफ नहीं करते, बल्कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। और अब बुराई के सबसे बड़े दुश्मन बालवीर को समाप्त करने का समय आ गया है। अपना अगला वार करो बालपरी, अपने जादुई दंड से बालवीर के नीचे एक आग की खाई बनाओ। माँ छोड़िए मुझे, ऐसा मत कीजिए माँ। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, ऐसी कोई गलती मत कीजिए जिससे आपको अंत में बचाना पड़े। बालवीर, पछताएंगे तो वो जो अच्छाई और सच्चाई का साथ देते हैं। मैं तो बुराई की साथी हूँ। नहीं माँ, बुराई की साथी नहीं है, आप अभी भी एक अच्छी और सच्ची परी है। नहीं, मैं बुरी परी हूँ। होश में आइए माँ, होश में आइए, होश में आइए, होश में आइए, होश में आइए, और सच्चाई को देखिए, सच्चाई को देखिए, देखिए कि आप जिसे चोट पहुँचा रही है, आपका पुत्र है, आपका पुत्र बालवीर है, बालवीर है, बालवीर है। ऐसा मत कीजिए माँ, मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, होश में आइए, होश में आइए। बुराई और अच्छाई के अपने रिश्ते मायने नहीं रखते बालपरी, रखते बालपरी, मायने रखती है तो फिर भी जीत, फिर भी जीत, और बुराई की जीत के लिए तुम्हें आज, तुम्हें आज वो हराना होगा, हराना होगा, हराना होगा। आग की खाई में गिराना होगा बालपरी। हाँ ऐसा ही होगा, आज बुराई की जीत होगी और अच्छाई हार जाएगी। माँ, माँ किसी और की बात मत सुनिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए। इस तरफ देखिए, मैं आपका पुत्र बोल रहा हूँ। मेरी मेरी बात को समझिए और सोचिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। माँ को बेकार करने वालों को भी मैं कड़ी सजा दूंगी। माँ गया बचपाल वीर, हो गया आपका
सवार फिर से बेकार। ये है लगता मुझे है लगा बहुत गहरा सदमा हार का इनके दिमाग में और हो गई है पागल। पागल तो बालवीर और वो परियां होंगी जब उन्हें सच पता चलेगा। मेरा वार खाली नहीं गया है तौबा तौबा, इस बार मेरा वार खाली नहीं गया है। कैसे कैसे नहीं गया है खाली? क्योंकि बालवीर पे वार करने के बाद परियों को यकीन हो जाएगा कि बाल परी अच्छी नहीं बुरी परी है, और बुरी परी बाल परी को या तो परीलोक से दूर करना होगा या फिर समाप्त करना होगा। और दोनों ही सूरतों में बालवीर को दुख होगा। और यही तो मैं चाहती हूँ। मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, हमें भी चाहिए चाहिए चाहिए। पागल कह रहे? और क्या तुम्हें मानव का दांत चाहिए? नहीं नहीं बस हमें तो पिज्जा बर्गर चाहिए। बेवकूफ, मुझे किसी भी हाल में पिज्जा चाहिए, मतलब मानव का दांत चाहिए। लेकिन बॉस आपका दांत खराब है क्या? हाँ? नहीं, मुझे मानव का दांत दंत परी को देना। दंत परी? हाँ दंत परी। मारा क्यों? अरे बस वो तो मैं चेक कर रहा था कि आप खड़े खड़े सो तो नहीं रहे हो ना। समझ गया, तुझे भी समझो। नहीं नहीं मैं समझ गया। लेकिन बॉस ये नहीं समझा कि ये दंत परी का क्या चक्कर है। ये अगर मेरा सच जान जाएंगे तो मुझ पर बहुत हंसेंगे। दंत परी का कुछ चक्कर नहीं है, वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही कह रहा था। बट हाँ, मुझे मानव का दांत किसी भी हाल में चाहिए। अरे बस उसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे मानव का दांत तोड़ के दे देंगे ना आपको। हाँ, वैसे भी हमने आपके लिए इतना कुछ किया है कि छोटा सा एहसान भी कर देंगे। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। ओके ओके, अब एक बात कान खोल कर सुन लो, ये फालतूगिरी बंद करो उन्हें कान के नीचे दूंगा। सॉरी। ठीक से सुनो, आज से मानव का दांत तोड़ो मिशन शुरू। यस सर। बोला ना फालतूगिरी बंद करो, नाउ फॉलो मी। माँ आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बालवीर हम ठीक है, पर आप सब रणपरी आप सब यहाँ अचानक। बालवीर आप हमसे ऐसे क्यों पूछ रहे, हमें कुछ हुआ है क्या? हाँ बालपरी आपसे एक अनहोनी हुई है। अनहोनी? अटका दी परी, इस समय हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बालवीर, बाल परी को ये जानना होगा कि हम सारी परियां उनसे नाराज हैं। आप सब हमसे नाराज हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि आपने बालवीर पर वार किया था। बालवीर पर वार किया क्या? हाँ बाल परी, कोई मामूली वार नहीं किया है आपने, बल्कि आत्मघाती वार किया है। आत्मघाती वार किया है क्या? अगर रानी परी और हम सब परियां समय पर नहीं पहुंचती तो शायद हमने बालवीर को खो दिया होता।
आखिर क्या वजह थी बालपरी? आपने बालवीर पे वार किया, उस बालवीर पे जिसे आप अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती हैं, परियों, हमारा आप सब से निवेदन है कि इस तरह की बातें करके बालपरी को परेशान ना किया जाए। आप सब जानते हैं ना कि बालपरी इस समय ठीक नहीं है। हाँ परियों, मुझे भी माँ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें तो शिकायत है अपने आप से। रानी परी, ये कैसे हो सकता है कि हम खुद अपने बालवीर पर वार करें? बताइए रानी परी, हमें बताइए कि क्यों हमारी ही शक्तियां हमारे खिलाफ हो गई? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। रानी परी, ये कैसे हो सकता है? काले आंसू तो सिर्फ बुरी परियों की आंखों से आते हैं, या फिर उनकी आंखों से जो बुराई का साथ देती है। इसका मतलब बाल परी का गुस्सा करना, ईर्ष्या, झूठ बोलना, ये सब इसलिए था कि बाल परी एक बुरी परी बन गई है? नहीं गाल परी, मेरी माँ बुरी परी नहीं हो सकती, वो हमेशा अच्छी और सच्ची रहेगी, वो बुरी कभी नहीं बनेगी। बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, पर हमारा भी यही मानना है, बाल परी बुरी परी नहीं बन सकती, पर सही फैसला लेने के लिए हमें बाल परी की सत्य जल की परीक्षा लेनी होगी। सत्य जल? हाँ बालवीर, अगर सत्य जल की परीक्षा ने भी यही कहा कि बाल परी एक बुरी परी बन चुकी है, तो फिर बाल परी को हमेशा हमेशा के लिए परी लोग को छोड़कर जाना हो। बॉस, लो केले खाओ। हाँ, लोग चिंपांजी को केले देते, ये तो देखा है, लेकिन एक चिंपांजी लोगों को खाने के लिए केले दे रहा है, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। सॉरी, लेकिन बॉस आज हमारे बिना कुछ मांगे आप हमें खाने के लिए दे रहे हो, वाह। हाँ, दिमाग तो सही है ना आपका, मतलब बहुत अच्छा मूड है आपका। हाँ, भूल गए, आज मिशन मानव के दांत तोड़ो है, और ये उसका फॉर्मूला नंबर 99 है। हाँ, जैसे ही मानव यहाँ से आएगा हम केले के छिलके वहाँ डालेंगे, वो उनके ऊपर से फिसल जाएगा और गिर जाएगा, और जैसे ही वो गिरेगा उसका दांत टूटेगा। अरे हाँ, बस ये तो वो कहावत हो गई, आम के आम और गुठलियों के दाम। अच्छा, ये कहावत बदलो और ये बोलो, केले का वसूला दाम और उसके छिलके भी आए काम। आई वी यू ही शी। बस वो देखो कितनी मौन हो रहा है, हाँ, उसका ध्यान तो किताब में, अब तो ये पक्का गिरेगा। तुम लोग केले खाने के लिए रेडी हो? हाँ। तो फॉलो मी। अरे यार, मोंटू, ये क्या किया तुमने? केले का छिलका यहाँ क्यों फेंका? सर, वो तो कुछ नहीं, ये देखो।
मुझे पता था एक ना एक दिन तुम तीनों मिलकर चार केले के छिलके जरूर फेंकोगे। मोंटू, क्या तुम्हें पता नहीं है स्कूल प्रीमाइस को गंदा नहीं करना चाहिए? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? कचरा उठाओ और डस्टबिन में डालो। हाँ। ए, तुम क्या खड़े हो? तुम भी चलो उठाओ। हाँ, जाओ। नॉनसेंस। तुम क्या कर रहे हो? चलो उठा रहे हो। हाँ। हाँ। अभी यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, मुझे लाइब्रेरी जाना था। परियों, बालवीर, जैसे कि हमने पिछले कुछ समय में देखा कि किस तरह से बाल परी के अंदर एक बुरी परी के गुण नजर आ रहे हैं, जो ना बाल परी के लिए ठीक है और ना ही हमारे इस परी लोक के लिए। परियों, ऐसा करते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है, पर सत्य की परख करने के लिए हमें बाल परी की सत्य जल की परीक्षा लेनी ही होगी। डूबा डुबाए सत्य जल लाया जाए। खुश रहो सत्य जल, खुश रहो। खुश रहो सत्य जल, खुश रहो। बालपरी, अब आप सत्य जल की परीक्षा के लिए आगे आइए। हे सच्चाई और अच्छाई की दिव्य शक्ति, हम सत्य जल की परीक्षा के लिए आपका आह्वान करते हैं। आइए और सत्य की परख कीजिए। परी, अब आप सत्य जल में अपना हाथ डालिए। धुआं, सत्य जल का काला होना इस बात का प्रमाण है, कि बाल परी अब एक बुरी परी बनी, परियों, ना चाहते हुए भी हमें कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। बाल परी को परीलोक छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना ही होगा, हमेशा हमेशा के लिए जाना ही, हमेशा हमेशा के लिए जाना ही। परी, हमें आपका आदेश स्वीकार है रानी परी, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्द से जल्द परी लोग को हमेशा के लिए छोड़कर जाएंगे, रोहित केवल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसे ही मानव यहाँ आएगा, तुम दोनों स्टैंड बैग लेके वहाँ जाना और मानव के ऊपर छोड़ देना, और स्टैंड बैग मानव को लगेगा और मानव का दांत टूटेगा। हाँ। हाँ। हे, बॉस, वो देखो, मानव आ रहा है।
तो गड़बड़ हो गई। इस बार मानव सचिन सलोनी तीनों साथ में आ रहे हैं। डोंट वरी, मानव यहाँ अकेला ही आएगा। मानव तू तो बार बार अपने दांतों क्यों छेड़ रहा है? अरे मेरा दांत कब से हिल रहा है लेकिन टूट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं तोड़ूंगा तुम्हारा दांत। भूल गए, तेरा दांत मेरे हाथ से ही टूटेगा। वाह, शिकार खुद चलकर जाल में फंसने जा रहा है। वाह, प्लीज छोड़ दे मुझे, प्लीज। बच सकता है तो बच माना। अरे अपना आदेश वापस ले लीजिए रानी परी, क्योंकि हमारी बाल परी कभी बुरी परी हो ही नहीं सकती। हाँ रानी परी, हम कैसे बाल परी को जाने दे सकते हैं? आखिर वो हमारी साथी परी है और मुश्किल में तो साथियों का साथ दिया जाता है ना रानी परी, ना कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। और अगर आज बालवीर का अस्तित्व है और मैं यहां, तो वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। इसलिए मैं अपनी माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। बालवीर, परियों, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और ये फैसला लेकर हम भी खुश नहीं हैं। पर बालवीर, कभी कभी अपनी भावनाओं को अलग रखकर कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं रानी परी, लेकिन मुझे लगता है कि बाल परी को खुद से दूर करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर बाल परी बुरी परी बन कैसे गई। हाँ रानी परी, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है। हाँ बालवीर, और किसी ने जानबूझकर बाल परी के साथ ये बुराई का खेल खेला है। पर कोई ऐसा करे, ऐसा तो असंभव है परी, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने बाल परी के जीवन शक्ति तारा को तिलस्मी पर्वत से चुरा लिया हो। लेकिन परियों, तिलस्मी पर्वत से उसे चुराना असंभव है। पर रानी परी, यह असंभव कार्य संभव कैसे हुआ और किससे किया ये? ये तो हमें तिलस्मी पर्वत जाकर ही पता चलेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए अब हम तिलस्मी पर्वत जाएंगे। ज़्यादा खुश मत हो, ये गिफ्ट ना मानव के लिए। हाँ। मानव के लिए? क्यों? अरे उसका दांत तोड़ना है ना, इसलिए हम उसको गिफ्ट देंगे। क्या हुआ, धूप लग रही है तो मौसम का हालचाल दिख रहा है। अरे दुखी हो रहा हूँ। मोंटू बॉस, आज तक मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज तक आपने हमें कोई गिफ्ट दिया नहीं। नहीं दिया, और उस मानव का एक दांत तोड़ने के लिए इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे। नहीं, नहीं, नॉट फेयर। गलत बात है, गलत बात है। बस कर पगले, और मत रो, ये ले, तुझे गिफ्ट ही चाहिए था ना, ले ले।
ये मानव का गिफ्ट ले ले। सच में? हाँ, ले ले तू। ले ले। थैंक यू पर। यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। कैसे लगा गिफ्ट? जोर का लगा। ऐसे ही जब ये मुक्का मानव को लगेगा तब उसका दांत टूट जाएगा। अरे वो मानव हमसे गिफ्ट क्यों लेगा? अरे हाँ, मानव हमसे तो गिफ्ट नहीं लेगा पर किसी और से तो लेगा ना। किससे? हर्ष अग्रवाल। हर्ष? हर्ष? हर्ष जी भैया। हर्ष जरा जी भैया। हाँ भैया। जी भैया ही करते रहेगा कि काम भी करेगा? चल काम कर। समझा? ये लो और जाओ। जी भैया। और कुछ भैया? नहीं। हाँ भैया। जी भैया। बस सबको लगता है ये काम करेगा? हाँ भैया। अरे मानव। हाँ भैया। मानव ये ले तेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। लेकिन ये गिफ्ट क्यों? ये मैंने नहीं, सचिन ने दिया है। ये आता माजी पर फटक ली। ये सचिन बिना हेलो हेलो हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। क्या आई है? सर ये गिफ्ट है। किसने दिया है? सर ये मुझे हर्ष भैया ने दिया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बेटा, ये पकड़ो। देखो, किसी ने अगर तुम्हें गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट के साथ उसकी भावनाएं भी जुड़ी होती। हम उसकी भावनाओं की कदर जरूर। क्या मजाक है मानव? सर ये मजाक मैंने नहीं किया, ये तो मुझे हर्ष भैया ने दिया। हर्ष अग्रवाल, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सॉरी भैया। भैया? सॉरी सर, पर ये गिफ्ट मैंने नहीं, मोंटू ने दिया था। मोंटू? मोंटू! क्या है ये? सॉरी सर। दंतपरी, दंतपरी। क्या हुआ मंटू? तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया कि अभी से मुझसे मानव का दांत लाने का काम नहीं होगा और मैं नहीं करूंगा। No, no, Montu, you can't do this. You can't do this. You can't do this. You, तुम अपनी सजा ऐसे बीच में से नहीं छोड़ सकते। Shut up, Tinku. Not Tinku, baby. Dantku. बोलो Dantku. Shut up. Okay. मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये काम मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा? देखो दंतपरी, तुम चाहे मुझे जितने भी करंट दो बट हाँ, मैंने ठान ली है कि ये मैं नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम लोग दंत लोग के नियमों को नहीं बदल सकते, इसलिए तुम्हें अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। राइट। और तुम्हारी सजा ये है कि जब तक तुम मानव का दांत हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम सहायक दंतपरी के रूप में ही रहोगे। क्या? राइट। अरे दंतपरी, पर दंतपरी, दंतपरी, ये तुमने ठीक नहीं किया दंतपरी। अरे यार, इस हालत में किसी ने मुझे देख लिया ना, मेरी इज्जत का तो फालूदा हो जाएगा। क्या करूं?
रानी पर, लेकिन इन्हें पत्थर की मूर्ति किसने बनाई? जरूर यहाँ तिलस्मी पर्वत पर कुछ हुआ है रानी परी। हाँ, अब सत्य तो सिर्फ महामाई बता सकती है। हाँ विचार परी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रानी परी आप खुश रहो, रानी परी खुश रहो, खुश रहो महामाई, खुश रहो। महामाई, आपको पत्थर की मूर्ति किसने बनाया था? भयंकर परी। भयंकर परी? हाँ, भयंकर परी ने। उसी ने तुम्हारी माँ बाल परी का जीवन शक्ति तारे को भी तिलस्म पर्वत से चुरा लिया। क्या? देखा रानी परी, माँ बुरी परी नहीं है। हाँ पार्वती, लेकिन जीवन शक्ति तारे की वजह से बाल परी भयंकर परी के नियंत्रण में है। भयंकर परी को मैं उसकी गलती के लिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। हाँ बालवी, लेकिन सबसे पहले हमें बाल परी के बारे में सोचना चाहिए। लगता है एक बहुत कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।